देखिए जी, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। और ये है दिन, सोमवार का सुबह का टाइम है। हम बना रहे हैं भाई पनीर। और पनीर क्यों बनाया है, क्योंकि भाई रात को हमारी फ्रिज चली नहीं, कुछ पता नहीं उसके प्लग में कुछ दिक्कत हो गई थी तो फ्रिज नहीं चली तो दूध फट गया था, तो हमने उसका पनीर बना लिया। और सुबह सुबह का टाइम है। और इधर मैंने बना दिए थे बीरवे। और उसके बाद फिर भाई मैं कोई भी क्लिप नहीं निकाल पाई, क्योंकि मेरे को कुछ काम था तो मैं फिर बाद में कुछ क्लिप नहीं निकाल पाई। और उसके बाद फिर अगले दिन भी, मंगलवार के दिन भी मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि मंगलवार के दिन भी मेरे को काम था, क्योंकि मैं चली गई थी मार्केट अपना सामान लेने के लिए, तो उस दिन भी कोई क्लिप नहीं निकाली। तो ये क्लिप है 3 तारीख की, मतलब आज 3 तारीख है। और आज ही सुबह से शुरुआत की थी मैंने, बुधवार का दिन है और 3 तारीख, तो भाई सुबह का टाइम है। और मैं बना रही हूँ आज की, किस खुशी में बना रही हूँ ये पता चलेगा आप सबको शाम को या कल जो लोग आएगा ना उसमें पता चलेगा, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ खीर। और देखिए बस खीर मेरी बनके तैयार हो गई। मैंने इसमें चीनी डाल दी है और भाई किशमिश डाल दी और भाई इलायची कूट कर, 2-3 इलायची कूट कर ना वो डाल दी थी। और चावल की नहीं बनाई मैंने, जो ये सही आती है ना सही की बनाई थी, तो ये खीर बना दी मैंने, क्योंकि भाई अब बच्चे भी जाएंगे स्कूल में तो वो खा भी जाएंगे और टिफ़िन में भी लेके जाएंगे। तो खीर तो बना दी है, अब मैं बनाऊंगी भाई रोटी। तो आटा लगा लेती हूँ फटाफट से। और देखिए मैंने नमक डाल लिया अपने पराते रख ली, हमारे यहाँ भाई परात में आटा लगाते हैं। और यहाँ इसमें नमक डाल लिया मैंने पहले, और अब मैं छानूँगी आटा और उसके बाद आटा लगा के और फिर जाऊंगी मैं ऊपर। भाई झाड़ू मैंने लगा दी थी पहले, बर्तन साफ़ कर दिए थे सब, और स्लेप वगैरह भी कुछ साफ़ कर दी थी और बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। तो अब मैं फटाफट से आटा लगाऊंगी और फिर जाऊंगी ऊपर। भाई बच्चे नहाएंगे, उनको तैयार करके और उनको भेजना है, फिर बाद में काम करूँगी। सुबह आज लेट होगी, मैं कई काम हो गए थे। और हाँ, शिल्पा नहीं खाएगी खीर, क्योंकि भाई उसको वो एक टाइम में खाना खाती है तो फल वगैरह खा लेती है, तो उसके लिए बनाऊंगी मैं वो, तो क्या बोलते हैं उसको, सामक बोल रही थी मम्मी मेरी, सामक की खिचड़ी बना देना, तो उसके लिए बनाऊंगी भाई मैं सामक की खिचड़ी। और देखो सुबह सुबह इतना काम हो जाता है, इसीलिए तो मैं सुबह सुबह वीडियो बहुत कम बना पाती हूँ, क्योंकि भाई इस कैमरे को सेट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता, कभी इधर लगाओ कभी उधर लगाओ, फिर भाई काम भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और सबसे बड़ी एक मेरी समस्या है, मैं जल्दी नहीं उठ पाती, मैं लेट उठती हूँ, तो लेट उठने की वजह से भी बहुत दिक्कत होती है। अगर जल्दी उठ जाए तो जल्दी काम हो जाता है। कोशिश करती हूँ भाई कि जल्दी उठ जाऊँ और करूँगी भाई, ऐसे तो मुश्किल है काम हो पाना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। आज तो मैं इतनी लेट हो गई मंदिर जाने में, मैं आज 11 बजे मंदिर गई, काम ना लेट हो गई थी कि 11 बज गए थे। और देखिए इधर अब मैंने सामक की खिचड़ी छोक दी है शिल्पा के लिए, और उस ये जो खीर है ना ये भी मैंने ठंडी करके रख दी है थाली में, ठंडी करके वही टिफ़न में लेके जाएंगे और खाएंगे। और ये देखिए इधर हो गए हैं रेडी, ये शिल्पा रेडी हो गई, ये डुगू रेडी हो गया, और डुगू के पास बैठा है वो है मेरा भतीजा मेरा मंक, और ये खा रहे हैं इधर खीर, मैंने इनको दे दी थी खीर खाने के लिए। और बस ये तो तीनों हो ले तैयार, और इनके पापा अब नहाएंगे। और मैं बता रही थी ना कल मैं मार्केट गई थी, तो और मैंने बताया था ना भाई कल मैं 2 तारीख को मार्केट गई थी, तो मैंक को मैं जब अपने साथ लेके आई थी, डुगू भी बोल रहा था मम्मी मैंक को लेके आ, मैंक को लेके आ 2 दिन के लिए, और ये भी बोल रहा था बुआ मेरे को आना है डुगू के पास खेलना है, तो मैंने कहा चलो 2 दिन के लिए आ जाएगा। इसकी माजी तो मना कर रही थी कि नहीं रहने दे, वहाँ पर छेड़ करेगा, दोनों छेड़ करेगा, तो नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं 2 दिन की बात है फिर भेज दूँगी। तो ये अपना खीर भी खा रहे हैं, और डुगू के साथ ही आज मैं स्कूल में गया है, बोला मैं भी जाऊँगा आज डुगू के साथ स्कूल में, तो बच्चे हैं भाई क्या करें, जिद तो कर ही लेते हैं। तो देखो बस इन्होंने क्या खाया, डुगू ने वैसे तो बोल दिया मेरे को खीर पसंद है, मेरे को खीर खानी है, खीर खानी है,
और बस अब खाया कुछ भी नहीं। एक खड़ा हो गया तो दूसरा भी खड़ा हो गया। इन दोनों में ना ये है, अगर वो ये चीज करेगा ना तो मैं भी ये करूँगा। और इधर आ गए थे डुबो के पापा, इसकी बुआ का सिम्मा का फोन आया था तो हमने बुआ से बात कर रहा है ये, और मैं बना रही हूँ इधर रोटी और इनके पापा नहा रहे हैं। बस अब इनके पास आ जाएगी और इनके टिफिन भी रेडी हो गए, उन्होंने खा भी लिया है, अभी जाएंगे और फिर करूँगी मैं अपना भाई बाकी का काम, सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये रात को ना जब मैं रेवाड़ी से आई थी ना, तो रेवाड़ी से आने के बाद ये कुछ कपड़े यहाँ सुखा रखे हैं ना मैंने, ये धोए थे। और भाई अब जो ये बच्चे निकाल के जाएंगे इनके पापा के हैं भाई, और सब अब धोऊंगी क्योंकि तो अब सारे धोते तो ज़्यादा हो जाते हैं। ये कल कल के हैं, इनके स्कूल के थे ना वो धो दिए थे, और भाई जो भी एक्स्ट्रा के थे ना वो शाम के टाइम मैंने धो दिए थे, और जो अब निकालेंगे वो अब डाल देंगे। तो चलो कर लेते हैं फटाफट से काम, बने रहिए पूरे व्लॉग में। और आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। राम राम जी, कैसे आप सब, आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। तो देखिए सुबह के बज गए 8 और मैंने रोटी बना ली, बच्चे चले गए स्कूल में। और देखिए हम चलते हैं नीचे, रोटी तो बनेगी मेरी। और देखिए मैं नीचे आ गई थी भाई रोटी बना के लेके, और भाई मम्मी माँ पापा इन्होंने तो भाई खा ली है, और मैं करूँगी बर्तन साफ़, और बर्तन साफ़ करके फिर जाऊँगी भाई, नहीं जाऊँगी बाद में ऊपर जाऊँगी, पहले करूँगी नीचे झाड़ू पोछा। आज मैंने झाड़ू लगा दी थी, पोछा नहीं लगाया है। तो झाड़ू तो भाई सुबह उठते ही झाड़ू का काम होता है, पहले झाड़ू लगा दी थी मैंने, और एक्स्ट्रा के जो बर्तन थे वो साफ़ कर दिए थे। तो बस अब जो ये रोटी खाई है जिन्होंने वो बर्तन है उनको साफ़ कर दूँगी, और फिर लगाऊँगी फिर पोचा स्लेब साफ़ करूँगी, पोचा लगाऊँगी, गैस साफ़ करूँगी, सारा नीचे का काम करके फिर जाऊँगी मैं ऊपर। मशीन में कपड़े डाल के आई थी मैं, तो जाऊँगी तब तक वो पूरा घूम लेगा, एक चक्कर हो जाएगा उसका पूरा। तो फिर बस वो निकाल दूंगी और डाल दूंगी, और साथ साथ ऊपर का काम कर दूंगी, छत वगैरह साफ़ कर दूंगी, और भैया अपने कपड़े धो लूंगी। तो चलो पहले बर्तन साफ़ कर लेते फिर जाएंगे ऊपर। और आज लेट हो रहा है काम भी।
गैस वैस सब साफ हो गई पोचा पोचा। और अब चलती हूँ मैं ऊपर, ऊपर का काम करूँगी। और देखिए अब लगा दूंगी मैं चूल्हे के पास झाड़ू, और मैं यहाँ से साफ करके और फिर अपना कपड़ा धोऊंगी। कपड़ा धो के नहाऊंगी, भाई कमरा में झाड़ू पोछा रह रहा है। फिर ये सारा काम करने के बाद भाई जाऊंगी मंदिर में, बहुत लेट हो गया आज तो। चलो फटाफट तय करके काम फिर जाऊँ मंदिर में। और आज शाम ने जो वीडियो बनाऊँ भाई हुआ, ये इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो और भी अच्छा आने वाला है, तो उस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। और देखिए कपड़े मैंने निकाल लिए मशीन से, और भाई वहाँ से निकाल के और फिर यहाँ आके निचोड़ने पड़ते हैं। वैसे फिक्स नहीं करवा रखे हमने अपनी मशीन में कि भाई पानी डल गया या फिर ऐसे, डायरेक्ट नहीं करवा रखी, तो बाल्टी से ले जाके डालना पड़ता है। तो देखिए कपड़े निचोड़ दिए, और देखिए कपड़े मैंने निचोड़ कर ठुड्डी पर टांग दिया है ताकि इनका पानी बिल्कुल अच्छे से नीचे डलेगा, और फिर मैं इनको सुखा दूँगा। और इसी पानी से मैं छत को साफ़ कर देती हूँ फटाफट से। और छत साफ़ करने के बाद भाई फिर मैं नहाऊँगी। आगे भाई मैं कोई क्लिप नहीं निकालने पाई, क्योंकि जैसे ही मैं कपड़े निचोड़ रही थी ना, कपड़े धो रही थी, तभी कोई आ गया था मेरे पास दुकान में, तो मैं चली गई थी नीचे। और आपको पता ही भी दुकान कोई आ जाए, और भाई फिर काफ़ी टाइम लगा था, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई लोग को देखते देखते। और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को भाई पूरा देखा करो। और जो इसके बाद लोग आएगा वो और भी अच्छा आने वाला है, देखना आप लोग। कोशिश करूँगे अच्छा से अच्छा बनाने की भाई। और तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, और राम राम।